जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:42, 8:42 PM, और आज 30 जून है 2020, यानी कि आज अगर आप देखो तो आज जून का महीना खत्म हो गया है। तो जून का मंथली क्लोजिंग आज आ चुकी है, जून महीने की मंथली क्लोजिंग आज आ चुकी है। एंड वी हैव एंडेड दिस मंथ ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट, बिकॉज निफ्टी हैज़ क्लाइम्ड 2 to 3%। कितना क्लाइम किया जो भी किया देख लेते हैं अभी, तो अच्छा क्लाइम किया इस मंथ में भी, और बहुत ही अच्छा महीना रहा तेजी वालों के लिए। मंदी वालों को तो वही रोना है, अब गिरेगा तो उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बाकी इनका रोना तो अभी जुलाई में भी लागू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ। पिछले महीने का जो टॉप था, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पिछले महीने का टॉप था 9598। पिछले महीने का टॉप था, टॉप टॉप मतलब हाई, द हाई ऑफ मे मंथ वॉज 9598, एंड दिस मंथ वी हैव क्लोज्ड एट 10302, एंड द हाई ऑफ दिस मंथ वॉज 10553। तो फ्रॉम लास्ट मंथ हाई, मे मंथ हाई, जून मंथ हैज रिजन राइजन 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट पिछले महीने के हाई से इस महीने के हाई ने बढ़ के बनाया, लगभग 1955 पॉइंट। ठीक है, तो बहुत बड़ी उछाल इस महीने आप देख सकते हो, पिछले महीने के हाई के कंपैरिजन में भी अगर आप चेक करो तो इस महीने का जो हाई है वो 10,000, और अगर पिछले महीने की क्लोजिंग को भी देखो आप तो 9580 की क्लोजिंग थी, और इस महीने हमने 10302 पे क्लोज किया। तो मंथ ऑन मंथ दिस सीरीज हैज़ गिवन 7.53%, ऊपर आपको दिख रहा होगा 7.53%, 7.53% का गेन हुआ किसमें, जून महीने में, मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग बेसिस। पिछले महीने की क्लोजिंग 9583 और इस महीने की क्लोजिंग 10302। कौन कौन बेवकूफ लोग आपको बोलते हैं कि कैश में एफआई सेल कर रहा है, मतलब एक दिन का आज 2000 करोड़ का या पिछले 3 दिन का डाटा देख के आपको लगता है कि सेल कर रहा है, तो आप सोचो ऐसे लोग क्या वीडियो बनाते होंगे आपके बारे में। या फिर कुछ फ्यूचर का डाटा देख लिया, उसमें देखा कि एफआई ने सेल में है और क्लाइंट बाई में है तो मार्केट गिरेगा। चलिए मैं आपको मेरी स्टाइल में पहले वो दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो दिस इज़ माई रिसर्च डाटा विच इज़ कम्प्लीट, बिकॉज आज जून महीना भी ख़त्म हो गया। तो जैसा कि मैं आपको ये कई बार दिखा चुका मेरा एक्सेल है ना, तो आज अब आपको मैं बहुत बड़ी पॉइंट दिखाने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये मेरा डाटा है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये मंथ कैश कितना आया या गया, आया या निकाला एफआई ने, या डीआई ने कितना कैश डाला या निकाला। तो ये मेरे पास अप्रैल से लेके सब डाटा है, पिछले साल के अप्रैल से लेके। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, अक्टूबर ऐसा पिछले साल में एक महीना था अक्टूबर 2019, जहाँ पे एफआई ने भी बाई किया था और डीआई ने भी बाई किया था। उसके बाद आपको ऐसा कोई भी महीना नहीं दिख रहा है जहाँ पे दोनों ने बाई किया। पिछले साल में एक ही महीना ऐसा था जहाँ दोनों बायर्स थे, ठीक है, पिछले साल। और अब देखो आप इस साल में, देखो आप इस साल में, ये पिछले साल का आपको दिख गया अक्टूबर 2019 पूरा। अगर अप्रैल 2019 से देखो तो एक ऐसा महीना था, ओनली एक ऐसा मंथ था जिसमें दोनों बायस थे। अब आप देखो मई में भी दोनों बायस थे, मई में एफआई ने 13914 करोड़ का बाई किया और डीआई ने 12293 करोड़ का बाइंग किया, दोनों ने बाइंग किया। जो लोग आपको बोले एफआई का कैश का सेल फिगर आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है, मंथ ऑन मंथ देखो ना भाई। बल्कि डीआई ने कम बाई किया इस महीने में, डीआई ने 2434 करोड़ बाई किया, जबकि आज ही 2000 करोड़ का बाइंग किया था, ठीक है। तो और एफआई ने, जबकि पिछले 3 दिन से इसका सेल डाटा आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव बॉट 5492 करोड़ इन कैश मार्केट मंथ ऑन मंथ। तो ये दोनों महीने में एफआई ने अगर मिला हो तो आप 19,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा डाल दिया मार्केट में। अप्रैल मई और जून में मिला के एफआई ने 19,000 करोड़ रुपये डाला मार्केट में, और मई और जून में मिला के डीआई ने
14,600 करोड़ रुपए डाला है, यानी कि 1914 या 2014 34,000 करोड़ से आए है नेट मार्केट में मई और जून में, तो क्या इतनी आसानी से जाने देगा मार्केट को नीचे FIADI? बिल्कुल नहीं। तो ये आपको इस तरह से रिसर्च करना चाहिए, ना कि आज का डाटा देख लिया आज FI ने से। एनीवे लेट देम, कल मैं बियरिश हूँ, मैंने आपको पहले ही अपने 3:30 बजे के वीडियो में बता दिया, क्योंकि वो 3 दिन वाला जो फेज़ है वो कल ख़त्म होने वाला है। कल मैं बिल्कुल बाई कर लूँगा अपना जो भी बाई करने का, तो कल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये मैंने आपको मेरी रिसर्च दिखा दी। अब आपको ये लोग क्या दिखाते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ, बाकी लोग वो आपको ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये देखिए ये 30 तारीख को क्या हुआ, ये देखिए क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट वो है ना, क्या हो गया इंडेक्स में ना इतना लॉन्ग है और इंडेक्स में वो इतना शॉर्ट है, तो नेट में वो 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है, जबकि FI नेट में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, क्योंकि शॉर्ट उसका 65,000 है, 34,000 लॉन्ग है। तो इसका मतलब FI शॉर्ट में और क्लाइंट लॉन्ग में, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। वाह क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है। स्टॉक फ्यूचर उसके पिताजी सेल कराएंगे क्या, 9,14,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई करके बैठा कॉन्ट्रैक्ट और 3,97 सेल में है, बेवकूफ़ो 2 महीने से ऐसे ही दिखा के लोगों को बर्बाद कर रहे हो, देखना ही नहीं आता इन लोगों को। एनीवे ठीक है, कल मार्केट जरूर गिरेगा दोस्तों, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी एडवांस में बता दिया था, और कल मेरी लास्ट फॉल की डे है, तो मैं आपको कल का सब कुछ स्टोरी, मैं क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ आपको मैं आपको कल के लिए सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, कल अगर रिलायंस पहले आ गया 1640 तो आप रिलायंस उसी समय समझ लेना कि अब जो कंसोलिडेशन या जो चल रहा था एक रेंज में वो ख़त्म होने वाली है, अब तेज़ी कर लीजिए। जैसे रिलायंस 1640 स्पॉट में आ जाए, 50 से लेकर 30 के बीच में कभी भी आ जाए, 1650 से लेकर 30 के बीच में, अगर 1650 भी नहीं 1655 से लेकर 1625 के बीच में अगर रिलायंस आ जाए, 1635 से लेकर 1655 1635 to 1655 अगर रिलायंस आ जाए, आप समझ लेना अब तेज़ी स्टार्ट होने वाली है, बड़ी वाली, ठीक है। और आपको रिलायंस भी बाई कर सकते हो आप, और रिलायंस में आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा आपको 1590 क्लोजिंग बेसिस, और आपका टारगेट रहेगा रिलायंस का 1950 2050 और 2150 जुलाई का, ये रिलायंस के बोल रहा हूँ। और निफ्टी के तो मैं कल बता ही दिया, आप सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी आपको जब भी 10,150 के आसपास दिखेगा आपको कल बाई करना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बिलो 10,040। और आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, दीज आर ऑल माई एजुकेशनल व्यूज, दीज आर ऑल माई पर्सनल व्यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज, एंड इफ यू ट्रेड ऑन दिस व्यूज द लॉस विल बी एंटायरली योर्स, आई एंड माई चैनल वोंट बी रेस्पॉन्सिबल एट ऑल, सो प्लीज रीड माई डिस्क्लेमर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलवेज, एंड इट इज मैंडेटरी टू रीड, ओके। तो ये देखिए निफ्टी कल मुझे लगता कल यहाँ तक आएगा, ये 10,090 तक का लो बना सकता है कल, 10,080 तक का भी लो बना सकता है कल, तो आपको वहाँ पे बाइंग करने का मौका ढूंढना कल, बहुत बड़ी कल अच्छी फॉल आनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी मैं SGX वगैरह भी देख लेता हूँ अभी, तो आज ज़्यादा कुछ बोलने को तो है नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया, वहाँ मैं बाइंग करूँगा, या रिलायंस पहले आ गया तो पहले ही निफ्टी बाई कर लूँगा उसके, मतलब रिलायंस इज ऑल्सो ए सिग्नल, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, क्या था हाँ ये कहाँ चल रहा है डाउ जोन्स देखते हैं, डाउ जोन्स तो प्लस में है भाई 42 पॉइंट 42 पॉइंट प्लस में, फ्यूचर्स डाउ जोन्स फ्यूचर्स हमारा ये देख लेते हैं हम लोग, हमारा वाला कितना नीचे है, हमारा वाला अभी 24 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो कल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कल 100, 150, 200 वाला पॉइंट वाला फॉल डे है, कुछ भी हो सकता है, कल अच्छा फॉल आएगा आपको, जहाँ ये लेवल्स आ जाए वहाँ आपको बाइक में बैठ जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि 10,040 के नीचे की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, और आपके टारगेट सबसे बड़े बड़े क्या है, पहला टारगेट आपका 10,790
जुलाई सीरीज के लिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट है 10,990 और तीसरा टारगेट है 11,200 प्लस, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी मैं वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई कहानी सुनानी नहीं है मुझे, मैंने आपको जैसा बताया था वैसे ही रेंज बाउंड दोनों तीनों दिन से चल रहा है, दैट्स इट। और मैंने आपको कैश मार्केट का डाटा दिखा के भी समझा दिया, अब अगर आपका अकल आप यूज़ कर सकते हो तो करिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।